एवरीवन, वेलकम बैक। होप सो यू सेट की प्रेप आप लोगों की अच्छी हो रही होगी और ऐसे आप लोगों के साथ शेयर कर दिए गए हैं। एनालिटिकल का पार्ट कवर करवा दिया गया है, क्वांटिटेटिव हम कर रहे हैं और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिए गए हैं। तो अब आगे देख लेते हैं। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को कहा था कि अब जरा अपना आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आने, इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो अब आप लोगों का पहले तो एक तो फ्रैक्शंस वाला सेक्शन करवा दिया है और सब्स्टिट्यूशन करवा दी गई है। अब ये थर्डली देख लें रेशियोज एंड प्रोपोर्शन। अब ये रेशियो क्या होती है, प्रोपोर्शन क्या होती है, वो देख लें। पहले रेशियो का देख लेते हैं। द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप अमंग टू और मोर क्वान्टिटीज़ इज़ आ रेशियो, यानी कि दो या दो से ज़्यादा क्वान्टिटीज़ के दरमियान जो रिलेशन होता है उसे क्या कहते हैं, रेशियो। अब आप ये देखें, अब ये रेशियो, ये आपने सिंपलेस्ट फॉर्म देखी होगी 3 और 4। जब आप लोगों ने सिंपलेस्ट फॉर्म देखी होगी, ये आप देख सकते हैं 3:4। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 3/4, यानी कि एक हमारे पास चीज़ है उसका थर्ड पार्ट एंड उसका फोर्थ पार्ट। यानी कि अब आप लोग देख सकते हैं, अब अगर हमारे पास इधर लिखा हो 7/8, 7:8, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, 7/8। तो क्या मतलब, कोई हमारे पास चीज़ है उसका 7वां हिस्सा और उसका 8वां हिस्सा। अभी अगर नहीं भी समझ आ रही तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, अभी आगे देखते हैं सॉल्व हम लोगों का इजी हो जाएगा। अब ये देखें 3:4 है तो ये किस तरह लिखेंगे हम, 3/7। नहीं, ये एक नदर चीज़ है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, उन्होंने डिफरेंट एग्जाम्पल दी हुई है। पहले अब हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसकी देखें, मिस्टर क्लीम एंड मिस्टर शहबाज खान, वो उन्होंने क्या किया, एंटर्ड इनटू अ बिजनेस पार्टनरशिप। एक उन्होंने बिजनेस पार्टनरशिप किया जिसके, यानी कि एक बिजनेस है उसके दो पार्टनर हैं, एक मिस्टर कलीम है और एक मिस्टर शहबाज हैं। तो उन्होंने क्या रेशियो सेट किया, 3:5 फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। उन्होंने कहा है, उन्होंने एक बिजनेस सेट किया है जहाँ पर वो दोनों पार्टनर हैं, उन्होंने कहा इससे जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, 3:5, यानी कि 3/5। अब ये इधर अगर हम देखें तो हम क्या सपोज कर सकते हैं कि जो 3 वाला पार्ट है वो किसका होगा, मिस्टर कलीम का, और मिस्टर शहबाज का क्या होगा, 5, क्योंकि हमारे पास रेशियो की सीक्वेंस से आ रही है 3:5। तो पहले कौन है, मिस्टर कलीम, और पहली रेशियो क्या है 3, सेकंड कौन है, मिस्टर शहबाज, और सेकंड रेशियो क्या है 5। तो इट मीन्स 3/5 किस चीज़ के लिए, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद देख कमेंट्स द बिजनेस एंड अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज़, उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ है, 24,000 का। तो इधर क्या कह रहे हैं कि शेयर ऑफ मिस्टर क्लीम, कि इसमें मिस्टर क्लीम का शेयर कितना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, अब पहले क्वेश्चन के टाइप्स देख लेते हैं। यहाँ पे नाम है, अब इधर वो लिख सकते हैं ए एंड बी, या उधर वो लड़कियों के नाम कंसीडर कर सकते हैं। थोड़ी सी स्टेटमेंट ये चेंज हो सकती है कि ए एंड बी ने, उन्होंने ये काम किया या उनके पास इतने पैसे हैं और इसकी ये रेशियो सेट की हुई है, तो आप लोग बताएं, और कि अब आप लोग बताएं कि टोटल कितना होगा। तो जब टोटल वाला क्वेश्चन आएगा वो भी आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब देखें करना क्या है, जब इस तरह से हो कि किसी एक पर्सन का शेयर फाइंड आउट करना हो तो क्या करते हैं, पहले जो हमारे पास रेशियो है उसे क्या करेंगे हम, प्लस, यानी कि 3+5 को हम अगर प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगी, 3+5=8। जब भी ऐसे हो तो पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन रेशियो होगी उसे हम क्या कर लेंगे, प्लस। क्यों, क्योंकि अब हमें इससे ये पता चल जाएगा कि जो भी प्रॉफिट है उसके हमारे पास कितने हिस्से बनेंगे, टोटल 8। अब हमारे पास ये तो बन गए 8, अब हमारे पास प्रॉफिट कितने का हुआ है, 24,000 का। हमने क्या करना है, अब जो हमारे पास टोटल हिस्से बने हैं उसको हमने किस चीज़ के लेके देखना है, कि ये जो अब हमारे पास हिस्से बने हैं हमने 24,000 में से देखना है ना, कि 24,000 का प्रॉफिट हुआ तो उसमें क्लीम का कितना और शहबाज का कितना है। तो मतलब कि अब हम क्या करेंगे, टोटल 8 हिस्से हैं, उन 8 को हम डिवाइड कर देंगे 24,000 के साथ। तो अब आप 24,000 को 8 के साथ डिवाइड करें क्या आएगा, जल्दी बताएं, ओ आप लोग कैसे बताओगे। तो 8 3 24, तो और 3 0 ऊपर चले जाएंगे तो हमारे पास ये क्या होगा, 3,000। मतलब के टोटल जो हमारे पास ये प्रॉफिट हुआ है वो 8 अगर शेयर्स होंगे तो वो कितना बनेगा, 3,000। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखते हैं कि ये कैसे हम किसको रिप्रेजेंट करें, क्लीम से। अच्छा एक और बात, अब जब आप क्वांटिटेटिव करेंगे तो उधर, अब आप लोगों के पास एक एमसीक्यू के लिए इतना टाइम है, एक मिनट का, तो अब आप लोगों ने प्रॉपर सॉल्व नहीं करने बैठ जाना, 3+5 बैठ के करें उसे। सिंपल आप लोग अपनी प्रैक्टिस इतनी अच्छी कर लें कि आप देखें 3, 5, 8, अच्छा 8 को हमने इसके साथ क्या करना है, डिवाइड करना, चलो ठीक है डिवाइड हो गया, आंसर ये आ गया।
अब क्लीम का पूरा नाम नहीं लिखने बैठ जाना, मिस्टर शिबाज का पूरा नाम लिखने नहीं बैठ जाना। ये कैसे, हमारे पास क्या है क्लीम और ऐसे क्या है शहबाज, अब इनका पहले देख ले। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, पहले हम देखेंगे टोटल हिस्से कितने हैं, हमें वैल्यू क्या गिवन है जिसमें से हमने हिस्से निकालने हैं, और फिर जो आंसर आएगा उसका हम क्या करेंगे। पहले अब देखें क्लीम के कितने हिस्से थे, 3, और शहबाज के कितने थे, 5, 3 और 5। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, जो वैल्यू आएगी हमारे पास। तो ये देखिए, अब हमारे पास वैल्यू इधर क्या आई है, 3000। तो अब इस 3000 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 9000। ये मैं इधर 9K लिख रही हूँ, K का मतलब आप लोगों को पता होगा कि K का मतलब होता है 1000, 9000। और अगर इधर हम 5 को 3000 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा, 5 3 15K। तो इट मीन्स के हमारे पास क्लीम का कितना आंसर आ रहा है, कितना क्लीम का शेयर होगा इसमें से, 9000। और अगर उन्होंने हमारे से इधर उन्होंने पूछा होता मिस्टर क्लीम की जगह कि मिस्टर शहबाज का कितना है, तो हम क्या बताते, 15000। तो इस तरह स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज हो सकती है, लेकिन सारा काम सेम होगा। एक और बार आप लोग इसके प्रैक्टिस फाइल शेयर करूंगी ना। अच्छा बच्चों, एक और बात, जब आप लोगों के साथ मैं कहती हूँ कि पीडीएफ शेयर करना है, तो लिंक जो होता है ना, आप लोग लिंक पे जस्ट एक बार या दो बार एक बार क्लिक किया करें, मेरे उस पर प्राइवेसी लगी हुई है, तो मेरे पास मेल आती है, तो जैसे ही मैं मेल चेक करती हूँ, मैं आप लोगों को एक्सेस अलाउ कर देती हूँ। तो अब कुछ बच्चे 5 6 7 बार उसे क्लिक करते हैं, मेरे पास इतना ज़्यादा मेल्स आई होती हैं, तो ज़रा उस चीज़ को अवॉइड करें, बस थोड़ा सा वेट कर लिया करें। मैं मेल चेक करती रहती हूँ, तो जैसे जैसे मुझे पता चलता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और जो इसका पीडीएफ होगा, मैंने भी इसके साथ इसके बाद एक और लेक्चर भी अपलोड करना है, तो उन दोनों के पीडीएफ मैं एक साथ ही शेयर करूँगी। तो आप लोग पहले ये समझ लीजिएगा अच्छी तरह से, इतनी देर नोट्स बनाइएगा, इतनी देर में पीडीएफ आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, अब ये देख लें, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, क्वेश्चन की सेंस सेम हो सकती है, जस्ट उसकी वर्डिंग, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अब आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। अब अगर उन्होंने इस तरह मल्टीपल रेशियोज को किस तरह सॉल्व किया होगा, तो उन्होंने दिया होगा द रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 22:7। इधर हमने लिख दी 2:7, और बी और सी की हो 2:3, तो और हमने फाइंड क्या करना हो, a:b:c। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात इधर देखें, a:b:c लिखेंगे। ए और बी की क्या वैल्यू है, 2:7। अब बी और सी की क्या वैल्यू है, तो अब देखें बी की वैल्यू इधर क्या थी, 7। बी की वैल्यू इधर क्या थी, 7, और यहाँ पे आके बी की वैल्यू चेंज हो गई, बी की वैल्यू क्या हो गई है, 2। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने ए और बी की वैल्यू लिखी 2:7, ये देखें पहले हमने इतना लिख लिया। फिर उसके बाद बी और सी का हमने लिखना है, तो बी और सी की वैल्यू क्या है, 2:3। तो अब ये सॉल्व किस तरह से होगा, सिंपल सा कुछ भी नहीं करना, जो ये वाली वैल्यूज होंगी, रुके मैं इसका मार्कर का कलर चेंज कर लूँ, ये देखें। तो अब क्या करेंगे, ये जो ये वाली वैल्यू होगी, ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या इधर हमारे पास आ जाएगा, 2 to the 4, ये 4 आ गया। और फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आ जाएगा, 7 to the 14। एंड देन ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 7 3 the 21। अब ये मैं आप लोगों को क्वेश्चन देती हूँ कि अब आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, जस्ट लाइक 4:5, एक मिनट, ही मेरा कॉलन का पता नहीं क्या हो गया, 4:5 3:2। तो मुझे इसका आप लोगों ने आंसर बताना है, ये ए है हमारे पास, ये हमारे पास बी है, और ये हमारे पास सी है। अब अगर ये मैंने थोड़ा नीट भी कर दिया है, एक मिनट, ये नहीं हो रहा, अब मैंने इधर थोड़ा मैंने आप लोगों के लिए नीट भी कर दिया, अब आप लोग देख लीजिएगा। क्या करना है, हमने पहले इस वाली वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इस वाली वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर इस वाली वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये किस तरह से एक फॉर्म बनेगी, वो फॉर्म मैं अब आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये हमारे पास कुछ इस किस्म की फॉर्म बन जाएगी कि पहले ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, और फिर जो ये वाली वैल्यू होगी ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो ये अब आप लोगों के ऊपर, अगर आप एक वो याद कर लें कि जस्ट लाइक इस तरह के आप लोग शेप याद कर लें जब आप लोग के पास 3 वैल्यूज़ आई हुई हों, ठीक है। और जब 4 वैल्यूज़ होंगी तो भी सेम केस होगा, वो भी आप लोग के साथ शेयर कर दिया जाएगा। आप लोगों ने प्रैक्टिस फाइल में उसके प्रॉपर सॉल्यूशन होते हैं, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई क्यूरी हो मुझसे लाजमी पूछ लीजिएगा,
तो इस वाले का आंसर मुझे आपने बताना है, और बीच में कॉलन लाजमी आएगा, तो इसका आंसर मुझे कमेंट में लाजमी बताना है। उसके बाद अब देख लेते हैं, उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है, ये देखें, एक हमारे पास अब एक ये एग्जाम्पल है। अब हमने क्या, इधर हमने दो चीज़ें कर ली हैं। एक तो ये कि अगर वो हमसे पूछें कि मल्टीपल रेशियोज़ का क्वेश्चन हो, कि ए बी की गिवन और बी और सी की और वैल्यूज़ डिफरेंट हो, वो कह दें ए बी सी फाइंड करो, अब वो यहाँ पे ए बी सी डी भी दे सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले ए बी को फाइंड करेंगे फिर उस, ये देखें, अब अगर हमारे पास इधर होता, इधर मैं लिख देती हूँ ए, इधर होता बी, इधर होता सी और इधर होता डी, ठीक है। तो एक तो वैल्यू होती ए बी की, एक वैल्यू होती बी और सी की, एक वैल्यू होती सी और डी की। तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं, पहले हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते, इसको इसके साथ करते और इसको इसके साथ कर देते, ठीक है। और फिर जो आंसर आता है उसे हम अरेंज करके इन तीनों वैल्यूज़ के साथ कर देते। अगर ये ना समझ आया हो तो ये मुझसे पूछ लीजिएगा, ये मैं आप लोगों को बता दूंगी एक नीट पेज पे, ठीक है। तो अब आगे ये देख लें, और जब उन्होंने सिंपल आपसे पूछा हो कि रेशियो ऑफ 30 मिनट्स टू 2 आवर्स, इधर जब रेशियो इस तरह से पूछे हो तो हमने किस चीज़ को पॉइंट आउट करना है, टू, मतलब कि अगर उन्होंने रेशियो पूछी है ए टू बी, तो इसका क्या मतलब है कि ए ओवर बी। तो जब इधर इन्होंने हमसे पूछा हुआ है कि 30 मिनट्स टू 2 आवर्स, ये देखें 30 मिनट, मिनट है ऊपर और नीचे हमारे पास क्या है, 30 मिनट्स टू 2 आवर्स, टू और आवर्स, 2 आवर्स हो गया हमारे पास घंटे, 1 घंटे में कितना मिनट होते हैं, 60 मिनट, 2 घंटे में कितने होंगे, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करें 120 मिनट्स। तो हम इधर क्या, ऊपर भी मिनट हो गए नीचे भी मिनट हो गए, यानी कि यूनिट हमारा सेम हो गया। तो हम क्या करेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 120। तो अब इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे तो आप लोगों के पास क्या आंसर आ जाएगा, 1/4। तो जब भी अब आप लोगों का रेशियो वाला जो आएगा, इससे बढ़ के कुछ नहीं आएगा, सेम यही कॉन्सेप्ट होगा, वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। उसके बाद हम प्रोपोर्शन देख लेते हैं कि प्रोपोर्शन क्या होती है। तो बेसिकली प्रोपोर्शन क्या है हमारे पास, उन्होंने कहा टू सॉल्व द प्रोपोर्शन यू मस्ट नो द रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटीज। हमें यहाँ पे भी सेम एक चीज़ है कि प्रोपोर्शन के हमें क्वांटिटीज का बीच का रिलेशनशिप पता होना चाहिए। एक तो ये इस तरह से डॉट्स, प्रोपोर्शन के जब साइन लगता है ना, इस तरह से लगता है, ठीक है। ये हमारे पास ए, बीच में हमारे पास आ जाता है कॉलन, इधर हमारे पास आ जा, ये हमारे पास बी, इधर हमारे पास आ जाएंगे 4 डॉट्स, इधर आ जाएगा सी, इधर आ जाएगा डी। ये कॉलन है मेरा, ये जो कि लग नहीं रहा बट ये कॉलन है। अच्छा, तो और एक और चीज़, अगर मीन और एक्सट्रीम का पूछा जाए तो ये वाली वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, मीन, MEAN, मीन। अगर वो आपसे पूछ रहे हैं सर, और ये जो लास्ट वाली दो वैल्यूज़ होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम, EXTREME, एक्सट्रीम। अच्छा, प्रोपोर्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डायरेक्ट रिलेशन और एक होता है इनवर्स रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है कि अगर क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, और इनवर्स में क्या होता है, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ क्या होगी, कम होगी। अब इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं कि इफ़ अ कार कैन ट्रैवल 80 माइल्स इन 3 आवर्स, अगर एक हमारे पास गाड़ी है जो 80 मील चलती है 3 घंटों में, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 100 माइल्स। तो अब आप देखें, एक हमारे पास गाड़ी है, ये इधर हम लिख लेते हैं, एक हमारे पास गाड़ी है जो कितना चलती है, 80 मील चलती है, कितनी देर में, 3 घंटों में, 3 घंटों में चलती है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 100 माइल्स। जब इधर हम, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये डायरेक्ट रिलेशन है या नहीं, 80 मील्स था और 3 घंटे थे, अब ये जो 80 है वो हमारे पास बड़ा है ना, जब 80 मील पे 3 घंटे है तो ऑब्वियस ही बात है जब 100 मील होगी तो ये घंटे भी बढ़ जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, जब दोनों जगह एक, दोनों जगह चीज़ें इंक्रीज कर रही हैं तो हमारे पास क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसका, प्रोपोर्शन का। तो हम क्या करेंगे, 80 मील्स इज इक्वल टू 3 आवर्स, और उन्होंने हमसे पूछा है 100 का कितना होगा, अब हमने 100 का तो फाइंड आउट करना है, तो अब इधर हम क्वेश्चन लगा देंगे जिसका हमें नहीं पता होता, तो उधर हम क्या सपोज कर लेते हैं एक्स। अब क्या करेंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये हमारे पास इधर क्या आ जाएगा 80x, और उधर हमारा 80x इधर आ जाएगा हमारे पास, और उधर क्या आ जाएगा, 100 को 3 से मल्टीप्लाई किया 300। अब क्या करेंगे, 80 100 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 300 डिवाइडेड बाई 80। तो इसे आप लोग खुद ही सॉल्व करके अब आप लोगों ने आंसर वो करना है। वैसे इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसका आंसर हम लोगों के पास आ जाएगा ये 338 आवर्स।
अब ये आप लोगों को इस तरह से लिखना तो आता है ना, अब अगर नहीं आता तो ये मैं आप लोगों को मैं करके दिखाई देती हूँ। पहले तो पहली बात यहाँ से जीरो और यहाँ से जीरो हो गया, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या रह गया, 8 और 30, ये 8 आ गया, हमारे पास इधर आ गया 30, इधर आएगा नीचे, सॉरी सॉरी। तो ये हमारे पास इधर आ गया 30। तो अब हम आगे देख लेते हैं, तो अब हमारे पास 30, 8 के टेबल पड़े हैं, 8 2 द 16, 8 3 द 24। तो 8 हमारे पास क्या आ रहा है, 8 3 द 24, और 0 में से तो 4 नहीं जा सकता, 3 3 का इधर आएगा और इधर हमारे पास आ जाएगा 6। तो क्या करते हैं, किस तरह से हम स्टेटमेंट लिखते हैं कि 6 हमारा जो होता है वो ऊपर आ जाता है, रिमाइंडर रिमाइंडर ऊपर आ जाता है, इधर डिवाइड का साइन होता है, जो हमारे पास ये वाली वैल्यू होती है वो आती है नीचे, और ये हमारे पास जो ऊपर आया होता है हमारे पास कोशेंट, उसे हम किधर लिखते हैं, इधर। तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा वो हो गया, तो बाकी अब हम देखेंगे इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन का क्या सिनेरियो है, मैंने आप लोगों को बताया, अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही हो और दूसरी क्वांटिटी कम हो रही हो तो वहाँ पास क्या हो जाता है, वो वहाँ पास इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल है कि अगर 8 लोग हैं हमारे पास और वो कितने 6 घंटे ले रहे हैं एक फेंस बनाने में, तो जो 10 लोग हैं वो उसी फेंस को बनाने में कितना टाइम लेंगे। ऑब्वियसली बात है, जब 8 लोग 6 घंटे ले रहे हैं तो जब लोग ज़्यादा होंगे तो काम भी जल्दी हो जाएगा, तो काम जल्दी होगा तो हो सकता है 4 घंटों में हो जाए, 5 घंटों में हो जाए, 5.5 घंटों में हो जाए। तो मतलब एक चीज़ बड़ी, लोग बढ़ गए, टाइम कम हो गया, तो मतलब ये इनवर्स रिलेशनशिप है। इसको किस तरह से सॉल्व करना है, अब एक चीज़ अब आप लोग देखो ज़रा, हमने जब ऊपर हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, इधर हमने क्या किया था, 80 माइल्स थे और 3 आवर्स था, तो हमने 80 इज इक्वल टू क्या किया था, 80 इज इक्वल टू 30। 80 माइल्स किसके इक्वल आ रहे थे, 3 आवर्स के। अब यहाँ पे हम जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हम इधर 8 इज इक्वल टू 6 नहीं लिखेंगे, 8 इज इक्वल टू 6 हम नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशनशिप है। हम इधर क्या लिखेंगे कि 8 लोग हैं और इज इक्वल टू हमारे पास किस में आएगा, 6 आएगा हमारे पास इनवर्स में, यानी कि नीचे आएगी 6 की वैल्यू, 8 के इक्वल नहीं आएगी कि 8 लोग 6 घंटे काम करें, ये इस तरह नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये देखें, अब इधर हो गया, तो इधर हमने क्या कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक 6 पीपल, 6 लोग कितनी देर में काम करेंगे, तो इधर हमारे पास 10 आ गया, जैसे कि ऊपर हमने जब 100 लिखा था तो 100 लिखा, तो 100 के इधर आया था एक्स, लेकिन ये इनवर्स है। इनवर्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ 1/something की फॉर्म में आ जाती होती है, या एक चीज़ है उसे उल्टा कर दिया जाता है। तो अब एक्स नीचे था तो एक्स आ गया ऊपर, इधर हम क्या करेंगे, इधर भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू 8 6 द 48। तो अब हम क्या करेंगे, 48 डिवाइडेड बाय 10, एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्स इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 10। तो ये अब आप लोगों ने खुद सॉल्व करके इसका आंसर मुझे बताना है, और जो मैंने ऊपर पहले आप लोगों को क्वेश्चन दिया था वो भी आप लोगों ने बताना है। तो अब ये 48 डिवाइडेड बाय 10, अब आप लोग इसे डिवाइड करके आंसर अब आप लोग इसका मुझे बताइएगा लाजमी, ठीक है। अब एक और चीज़, एक हमारे पास रेशियो प्रोपोर्शन में आता है इनहेरिटेंस, मतलब विरासत। तो अब उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि जब भी किसी मुस्लिम की डेथ होती है तो उसकी कोई 4 ड्यूटीज़ होती हैं, कि जो उसका फनरल होता है यानी कि जो उसके जनाजे के एक्सपेंसिस होते हैं वो देना, उसका कर्जा जो उसने लिया हुआ है वो उसकी पेमेंट कर देना, या जो उसकी वसीयत है या जो उसकी ख्वाहिश है उसे पूरा करना। तो अभी तक इसकी कुछ ये कंडीशंस हैं, ये अब आप लोगों ने याद रखनी है, बचपन में आप लोगों ने जब ज़कात और अशर वाले क्वेश्चन किए थे तब भी ये वाइफ और उसके रिलेशनशिप वाला किया हुआ था, कि अगर किसी हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ का कितना पीछे अमाउंट बनती है, तो ये सारा वही स्नैरियो है। तो अब आप ये देख लें, ये कुछ चीज़ें हैं, ये अब आप लोग ज़रा याद कर लें, आप लोगों के लिए वाले क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। क्या, वाइफ एंड नो रिलेशन, अगर जस्ट एक वाइफ है और उसके अलावा कोई रिलेशन नहीं है तो वाइफ का, तो हस्बैंड के जितनी भी प्रॉपर्टी बची हुई होगी तो उसमें से वाइफ का कितना शेयर होगा, 1/4। ये अगर क्लियर नहीं पता चला तो ये मैं बता दूँ, ये होगा 1/4, और 3/4 किसको दे दिया जाएगा, बैतुल माल को। और अगर वाइफ है और उसका बेटा है तो कितना हो, या अगर उसका, अगर वाइफ है और उसका बेटा है या बेटे हैं तो 1/8 होगा वाइफ का, और बाकी जितना भी होगा वो सारा, जितने भी उसके बेटे हैं उसमें इक्वली शेयर कर दिया जाएगा।
अगर एक वाइफ हो, एक सन हो और एक डॉटर हो, एक वाइफ हो जिनकी डेथ हुई है उनकी, और अगर उनका एक बेटा हो और एक बेटी हो, तो क्या होगा? 1/8 वाइफ का शेयर होगा, 7/12 सन का यानी कि उनके बेटे का, और 7/24 उनकी बेटी का। और अगर वाइफ हो, दो उनके बेटे हों और दो बेटियां हों, तो ये सारे शेयर हैं। अगर वाइफ हो और एक बेटी हो, तो 1/8 वाइफ का, 1/2 डॉटर का, एंड 3/8 किसका? बातुल माल का। अब आप ये इससे ज़रा थोड़ी रिजेम्बलेंस करके याद रहेगा कि जब वाइफ और कोई रिलेशन नहीं है तो 1/4 है, लेकिन बाकी सारे केसेस में 1/8 है, मतलब जो 4 है वो डबल हो गया। और अगर आप यहाँ से बैतुल माल वाले का याद रखेंगे कि अगर 3/4 था बैतुल माल का जब वाइफ के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था, तो अब ये बैतुल माल का 3 ऊपर ऐसे ही है, लेकिन नीचे वाला डबल हो गया जब वाइफ के साथ क्या आ गई है? डॉटर, उनकी बेटी आ गई है, और सन, और ये सन्स और डॉटर। और ये यहाँ पे भी देखें, अगर एक वाइफ है, अगर एक उसका बेटा और एक डॉटर है, जब आप ये याद रख लेंगे कि यानी कि वाइफ के साथ जब कोई रिश्ता नहीं था, कोई बच्चा कोई और नहीं था, तो 1/4 था, लेकिन वाइफ के साथ इधर मेंबर्स आ गए हैं, तो 1/8 तो है वाइफ का। लेकिन जब एक बेटा है, एक बेटे का 7/12 है और एक बेटी का 7/24 है, तो अब अगर वो आपको तीन बेटे कह दें, तीन बेटियां कह दें, तो क्या करना है? 12 को सिंपली 3 से मल्टीप्लाई करें, 24 को सिंपली 3 से मल्टीप्लाई करें, तो इतना सॉल्व हो जाएगा। ये बस कौन कौन सा आप लोग याद रखें तो हो जाएगा। एक तो आप लोग ये याद रखें तो आप लोग को आसानी से हो जाएगा। वाइफ और सन वाले का याद रखने की जरूरत ही नहीं है। पहली बात, ये मेरे बताते बताते ही आप लोगों को याद हो जाएगा। पहले जब वाइफ का कोई रिलेशनशिप नहीं था किसी और, यानी कि कोई और रिश्ता नहीं था, तो 1/4 था, लेकिन अब वाइफ के साथ उसके बेटे हैं, तो 1/8, ऑब्वियस ही बात है। और सन वाले केस में बाकी सारा सन्स को इक्वली डिवाइड हो गया। जब एक बेटा है, एक बेटी है और वाइफ है, तो ये वाला याद रखें, ये वाली लाइन आप लोग, और फिर उसके बाद जितने मर्जी वो बेटे बेटियां कह दें, जो नीचे डिनोमिनेटर होगा उसके साथ उन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दें। और जब वाइफ और एक एक बेटी होगी, वाइफ का तो हमें पता है उस क्योंकि रिलेशन है उसके साथ, तो 1/8 है। डॉटर का हाफ होगा, 1/2, और बैतुल माल का क्या था? 3/4, तो अब 3/8 है। और अगर वाइफ हो और बेटियां हो, तो क्या होगा? 1/8 वाइफ का होगा, 2/3 डॉटर का, एंड 5/24 बैतुल माल का। होप सो आप लोगों को समझ आ गई हो, या आप लोगों ने याद करना है, ठीक है? ये PDF शेयर कर दिया जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी मैंने इसको कंपाइल करना है। अच्छा, एग्जाम्पल देख लेंगे। कामरान डाइट, काम एक पर्सन है कामरान, उनकी डेथ हुई है और उन्होंने अपनी पीछे कितनी दौलत छोड़ी है? ये 96, और वेट अ मिनट। ठीक है बच्चों, वैल्यू को ज़रा काउंट करते हुए आप लोगों ने भी ध्यान रखना है। जैसे मैं अभी से 96 लाख बोलने लगी थी, लेकिन सिंपली क्या करना है, आप लोगों ने वैल्यूज़ को काउंट कर लेना है बैक से। अभी देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 किस में होते हैं? 7 होते हैं करोड़ में, ठीक है? 7 डिजिट्स किस में होते हैं? करोड़ में। तो ये हमारे पास क्या होगा? 9 करोड़। उसके बाद 6, अगर हम 6 को कंसीडर करें, आगे कितना है? 3 और 6, यानी कि अब आप इसे 60 कंसीडर कर लें, और आगे 5 वैल्यूज आ रही हैं। 5 किस में होती हैं? लैक में। लैक इज इक्वल टू 5, तो काफ़ी रिच पर्सन की डेथ हुई है बेसिकली। तो 9 करोड़ 60 लाख उन्होंने वेल्थ छोड़ी है, अपने पीछे पैसे छोड़े हैं, ठीक है? तो अब अगर उन्हें कहा हुआ है कि अब उनके जो हायर्स हैं, यानी कि वारिस जो हैं, उनका क्या होगा? एक उनकी वाइफ है, दो उनके बेटे हैं और दो उनकी बेटियां। व्हाट विल बी द शेयर ऑफ 1 डॉटर? अब अगर तो उन्होंने 1 वाइफ 2 सन एंड 2 डॉटर, उन्होंने कहा कि इन तीनों में किस तरह डिवाइड होगा, तो आप क्या करेंगे? ये देखिए, 5, 2 सन एंड 2 डॉटर, इन तीनों वैल्यूज को प्लस करके जो वैल्यू उन्होंने छोड़ी है उसके साथ क्या कर देंगे? सिंपली मल्टीप्लाई। तो इसलिए कह रही हूँ, एक मिनट भी नहीं लगेगा अगर आप लोगों को ये याद होगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन इधर उन्होंने किसकी पूछी? व्हाट विल द शेयर ऑफ 1 डॉटर, एक बेटी का कितना होगा? तो अब आप ये देखें, उनकी टोटल अमाउंट ये थी, और एक डॉटर का, अब ये यहाँ पे जब उन्होंने कहा था कि जब दो बेटे और दो बेटियाँ होंगी, तो एक डॉटर का 7/48 जाएगा एक बेटी के पास, 2 each daughter, 7/48, यानी कि दो बेटियों का है, तो 7/48 एक बेटी का, 7/48 दूसरी बेटी का। तो 7/48 के साथ सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसे फिर से काउंट कर लेते हैं, 3, 4, 5, 6, 7। तो मतलब एक बेटी के पास कितना आएगा? 1 करोड़ और 40 लाख, आई थिंक 1 करोड़ और 40 लाख। तो सेम आप लोग के पास यही क्वेश्चंस होंगे, जस्ट थोड़ी वैल्यूज चेंज होंगी, थोड़ा आप लोगों ने बस दिमाग यूज़ करना होगा, लेकिन इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो ये आप लोग के साथ PDF शेयर कर दिया जाएगा विशु। अच्छा, अब एक और चीज़, ये 3/b है और इधर हमारे पास ये x/c है,
तो ये क्या है, 3 बाय 3 कॉलन b, तो ये किस तरह होगा, 3 ओवर b, ठीक है, डिवाइड। और इधर हमारे पास x कॉलन c का क्या मतलब होता है कि ये हमारे पास है x ओवर c। उन्होंने हमें क्या कहा है कि हमने किसकी वैल्यू देखनी है, x की। पहले तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी एक्स इज इक्वल टू, और उधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी 3c। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 3c डिवाइडेड बाय b। तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या होगा, d, ठीक है। तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं और सारे ये इस तरह से ही होने हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आप लोगों का इंशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़। एंड इफ कोई क्यूरी हो तो आप लोग लाजमी पूछिएगा, और अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो वो भी लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।